नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में वर्तमान विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने अपने समर्थकों के साथ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आज मार्च निकालने का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें प्रशासन की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद भी महबूब अली ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर कर CAA का विरोध किया। CAA को लेकर जहाँ विपक्ष ने खूब हाय हल्ला किया था, जिसके बाद पूरा देश अशांत रहा था, लेकिन जब मामला शांत होता दिखा तो एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई और आज अमरोहा के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने CAA के विरोध में मार्च निकालने का ऐलान किया। प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसके बावजूद भी महबूब अली ने अपने आवास पर समर्थकों के साथ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार विरोधी नारे लगाए। नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग करते हुए बिना अनुमति के मार्च निकालते हुए विरोध किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी के चलते मार्च को बीच में ही रोक दिया गया, जिसके बाद महबूब अली सड़क पर ही बैठ गए और उन्होंने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद DM और SP ने आकर महबूब अली से वार्ता की। इसके बाद मामला शांत हुआ और महबूब अली अपने समर्थकों के साथ अपने घर वापस लौट गए। ये हमेशा से जो जरूरत की चीजें हैं उनसे आदमी का ध्यान हटाना चाहती है सरकार। याद करिए, पहले भी आए इतने लोगों को फायदा हुआ, एक आदमी हाथ उठाकर बताए। झंडा मतलब यार, GST लगी, पाकिस्तानी कहलाता है, लगातार कुर्सियों पर ये बैठे हैं। पाकिस्तान लिए जाए इन पाकिस्तान का कलेक्टेड टाइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।